नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कन्या राशि वालों मित्रों, दिनांक 28 मई 2023 से आपके जीवन का एक बहुत बड़ा भेद खुलने वाला है मित्रों। समय रहते इस भेद के पीछे का कारण जान लो, क्योंकि वीडियो बहुत खास होने वाली है। आइए सबसे पहले अगर मित्रों नजर डाले पंचांग पर, तो आप सभी को बता देते हैं कि 28 मई को रविवार का वार है, साथ में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और मित्रों पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। वहीं आप सभी को बता देते हैं कि हसरण नामक योग भी इस वक्त बन रहा है। मित्रों अगर बात करें सूर्य की स्थिति की, तो सूर्य तो वृषभ राशि में विराजमान रहेगा, लेकिन दूसरी ओर चंद्रमा की स्थिति सिंह राशि में रहेगी। तो अब ऐसे में अंतरिक्ष में उपस्थित समस्त ग्रह गोचर की चाल का एवं नक्षत्रों की चाल का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा मित्रों? कौन से शुभ समाचार आपको सुनने को मिलेंगे, कौन से अशुभ समाचारों की प्राप्ति आपको होगी, क्या सावधानियां आपको बरतना पड़ेगी और किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, समस्त बातें समस्त ग्रह गोचर की चाल के आधार पर हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मित्रों सिर्फ वही भक्त इस वीडियो को लाइक करें जो अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हैं, उनकी लंबी आयु देखना चाहते हैं और कमेंट बॉक्स में 5 बार ओम हनुमते नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। बालाजी महाराज एवं गुरु महाराज की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। मित्रों वीडियो में बताई गई बात को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा और इस छोटी सी वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपके लिए बहुत ही चमत्कारी उपाय एवं सिद्ध मंत्र लेकर आए हैं। तो आइए मित्रों आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरु जी के एक छोटे से अनमोल विचार से। मित्रों अगर जिंदगी में खुश रहना है, खुशहाल जीवन व्यतीत करना है, तो गुरु जी कहते हैं कि अपना दर्द छुपाना सीख लो और अपनी बातें हर किसी को बताना छोड़ दो। मित्रों यह दो गुण अगर आपने अपने जीवन में उतार लिए, तो जीवन में कभी दुखी नहीं होगे और सिर्फ सुख का मार्ग ही आप पाओगे। तो आइए इस समय की शुरुआत तो मित्रों बहुत शुभ रहेगी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपको मित्रों थोड़ा सा सतर्क रहने की सलाह भी दी जाती है, क्योंकि इस वक्त आपके ऊपर छोटी छोटी मुसीबतें देखने को मिल रही है। मित्रों आपने काफी सारी मेहनत की है, अब आपको उस मेहनत का फल बहुत जल्दी मिलने वाला है। आपके लिए मित्रों कुछ नए रास्ते खुलेंगे जो जीवन में आपको आगे लेकर जाएंगे। वहीं परिवार में कोई बेहतरीन आयोजन होने की योजनाएं बन रही है, जिसमें मित्रों आपकी बात सबसे ऊपर रखी जाएगी और आपको मित्रों घर में सुखद माहौल बनाकर भी रखना होगा। आज के दिन मित्रों ऐसी कोई भी बात आप परिवार में ना करें जिसकी वजह से किसी व्यक्ति का दिल दुखे। साथ ही आप अपने घर में कोई कुत्ता लेकर आने की योजना बना रहे थे, तो इस वक्त यह योजना टाल दें। मित्रों आप घर में अगर कोई पशु पालना चाहते हैं तो आप गाय पाल सकते हैं, क्योंकि गाय सभी देवी देवताओं का रूप होती है। मित्रों बता देते हैं कि कार्य क्षेत्र में कुछ अधिकारी आपसे नाराज हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोग थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, मालिक बनने की कोशिश ना करें, नहीं तो दिक्कतें बढ़ सकती है। और हाँ
सकारात्मक सोच की वजह से ही सफलता मिलेगी, क्योंकि जीवन में अगर कुछ है तो सिर्फ सकारात्मकता है जो आपको हर परिस्थिति से लड़ने की शक्ति देगी। जमीन जायदाद के जो भी मामले अटके हुए हैं, अटके मामले सुलझने की पूरी उम्मीद है, और निकट संबंधियों के साथ किसी विशेष मुद्दे पर गंभीर और लाभदायक विचार विमर्श होगा। मित्रों, निकट संबंधियों के साथ आपको व्यवहार उत्तम रखना है, क्योंकि काम आपके अपने ही लोग आएंगे। अपने आप को किसी भी स्थिति में विचलित ना होने दें। अगर कोई कानूनी कार्यवाही चल रही है तो सचेत रहें, और बच्चे की किसी नकारात्मक गतिविधि का पता चलने से चिंता रहेगी। इस समय बहुत ही समझदारी से समस्याओं को सुलझाने की जरूरत है मित्रों। जीवन में समस्याएं ज्यादा बढ़ रही है तो आपको कुछ समय आध्यात्मिक बातों में भी लगाने की सलाह दी जाती है। कुछ ध्यान आध्यात्मिक बातों में लगाएंगे तो सकारात्मकता तो आएगी ही आएगी, साथ ही सुकून भी आपको मिलने लगेगा। व्यवसाय में नई पार्टनरशिप का ऑफर आ सकता है। व्यवसाय में मित्रों आप अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, और हाँ, किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह और मदद आपके व्यवसाय को नई दिशा प्रदान करेगी, और ऑफिस में बड़े अधिकारियों की कोई बात आपको परेशान करेगी। परिवार में किसी आयोजन की योजनाएं अचानक से ही बनेगी मित्रों। अचानक आपको सारे मेहमानों को न्योता देना पड़ेगा, अचानक से ही घर में मित्रों मंगल कार्यक्रम बनेगा, सब लोगों का तांता बंधा रहेगा, सब लोग आपकी खुशी में शामिल होंगे, लेकिन कुछ लोग आपके साथ गलत करने की विचारधारा रख रहे हैं। उनकी इस विचारधारा को मुंह तोड़ जवाब देना आपको आता है, और आप इस बार बिल्कुल डरेंगे नहीं, हारेंगे नहीं और टूटेंगे नहीं। सपने बुन लिए बहुत, अब उन सपनों को पूरा करने की बारी है मित्रों। इस वक्त आपको जो जो चीजें पसंद आ रही है उन पसंदीदा चीजों की खरीदारी संभव है। घर में आप नई वॉशिंग मशीन भी लेकर आ सकते हैं, जिससे घर की स्त्रियों के आधे काम आसान हो जाएंगे। समय मिल पाएगा, समय का सदुपयोग भी हो पाएगा। मित्रों, शाम के वक्त आप बड़े ही स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो आइए, वीडियो की समाप्ति अब यहीं पर होती है। उससे पहले मित्रों, दो उपाय आप जान लीजिए, यह उपाय आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकते हैं। हो सकता है कि इन उपायों को आजमाकर आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएं। मित्रों, घर के मंदिर में देसी घी का दिया जलाकर रात को भगवान कुबेर और माँ लक्ष्मी के एक मंत्र की एक माला जाप करें। मित्रों, धन के राजा कुबेर प्रसन्न होंगे और माँ लक्ष्मी घर में स्थायी रूप से निवास करेगी। मित्रों, जो मंत्र है वह मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः। इस मंत्र को आप एक बार अवश्य ही जपिएगा। वहीं मित्रों, अपनी पत्नी को कभी न डांटें। शुक्र पत्नी का कारक ग्रह है। अगर आप पत्नी से विवाद करते हैं, आप शब्द कहते हैं, तो इससे आपके तन और धन दोनों की हानि होगी, क्योंकि शुक्र ग्रह का सीधा संबंध मित्र तन और धन दोनों से होता है। आप सभी को बता देते हैं कि वीडियो की समाप्ति अब यहीं पर होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य ही लिख दीजिएगा,
और दैनिक राशि फल एवं रोजाना ज्ञान वर्धक वीडियो की प्राप्ति के लिए आप सभी मित्रों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अभी जुड़ जाइएगा। मिलते हैं आपके साथ अगले राशि फल की वीडियो।